नमस्ते आदाब सत श्री अकाल मेरे प्यारे बच्चों, मैं गौरी शंकर सिंह आप सबका ज्योग्राफी एजुकेटर एक बार फिर से एक नए वीडियो के साथ आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चे, आज जो है हमारे इंटरेक्शन की जो विषय वस्तु है वह है भारतीय मानसून यानी कि इंडियन मानसून। अगले कुछ समय में हम लोग इसी टॉपिक पर विचार विमर्श करेंगे, देखेंगे कि ये जो टॉपिक है किस प्रकार से हमारे एग्जाम के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होता है। चाहे एक दिवसीय परीक्षाएं हो, TCS हो, UPSC के एग्जाम्स हो, कोई भी परीक्षा हो, यहाँ पे भारतीय मानसून से क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं। इम्पोर्टेंट ये है कि इसका जो है समय भी हो चला है, भाई हम लोग इसी से शुरुआत करते हैं। टॉपिक अपना भारतीय मानसून, लेट्स बिगिन विथ। हम लोग के पढ़ने का जो वे होगा बच्चे वो ये होगा कि समझेंगे थोड़ा सा कि भारतीय मानसून है क्या, व्हाट इज मानसून, ठीक है ना। किन किन फैक्टर्स से हमारा जो मानसून है वो प्रभावित होता है ना, फैक्टर्स अफेक्टिंग मानसून, यानी कि मानसून है क्या, मानसून क्या है, मानसून क्या है, मानसून क्या है, फैक्टर्स अफेक्टिंग मानसून यानी कि मानसून को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, कारक, ठीक है, यानी कि कौन कौन से कारणों से मानसून अपना प्रभावित होता है, ठीक है। फिर जो है मैकेनिज्म ऑफ मानसून, यानी कि जो मानसून है, मानसून जो है अपना, मानसून की पूरी के पूरे कार्य प्रणाली कैसे कार्य करती है, कार्य प्रणाली क्या है, ठीक है जी बच्चे, क्या कहेंगे इसको, कार्य प्रणाली, वर्किंग सिस्टम किस तरीके से करती है काम। एनसो करके यहाँ पे क्वेश्चंस बनता है, एनसो करके टॉपिक है, ठीक है ना। एनसो 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 से बच्चे यहाँ पे तात्पर्य हो गया है एल नीनो सदर्न ऑसिलेशन भी कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, एल नीनो, एल नीनो, एल नीनो दक्षिणी दोलन, क्या कहते हैं बच्चे इसे, एल नीनो दक्षिणी दोलन, है ना, ये नाम दिया गया है इसे एल नीनो दक्षिणी दोलन। और फिर कुछ जो है निष्कर्ष देखेंगे इसका कि क्या कंक्लूजन निकलता है, क्या किस तरीके से हम इसके बारे में क्या कह सकते हैं, ठीक है। तो भारतीय मानसून यह जो है हमारे जो जलवायु है, जो भारत की जो जलवायु है उसका पर्याय है भारतीय मानसून। और आइए हम लोग देखते हैं कि मानसून असल में है क्या, ठीक है जी बच्चे। तो लेट्स बिगिन विद कि मानसून क्या है। अगर देखा जाए ना, एक शब्द में बोला जाए कि भारतीय मानसून है क्या, तो हम कह सकते हैं कि भारतीय मानसून जो है या फिर जो मानसून है एक पवन तंत्र है, ठीक है ना। मानसून जो है, मानसून, मानसून क्या है, तो मानसून एक विंड सिस्टम है, क्या है ये, विंड सिस्टम है। लेकिन विंड सिस्टम कई प्रकार का होता है, जो पृथ्वी का विंड सिस्टम है वो उसे विशेष करके तीन वर्गों में बांटा गया है, परमानेंट विंड सिस्टम, ठीक है ना, अस्थाई पवन तंत्र, फिर एक रखा गया पीरियोडिक या फिर अस्थाई पवन तंत्र, और एक है लोकल विंड्स, ठीक है ना। तो जो मानसून इसे हम कहते हैं पीरियोडिक विंड्स कहते हैं, इट इज अ पीरियोडिक, क्या कहते हैं बच्चे इसको, इसे हम कहते हैं This is periodic wind system, आया ना, क्या कहते हैं इसे, periodic wind system कहते हैं, या फिर इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं temporary wind system कहते हैं, क्या कहते हैं, temporary wind system कहते हैं, या फिर इसी को कहते हैं बच्चे क्या कहते हैं, अस्थाई, अस्थाई नहीं होती है, क्या होती है, अस्थाई पवन तंत्र है, कैसा है, अस्थायी पवन तंत्र है, इसी को हम कहते हैं, क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं आवर्ती पवन तंत्र भी कहते हैं बच्चे, क्या कहते हैं, आवर्ती पवन तंत्र। क्यों कहते हैं आवर्ती पवन तंत्र या अस्थायी पवन तंत्र, नाम से यह स्पष्ट है, पीरियोडिक विंड्स, टेम्पोररी विंड्स, पीरियोडिक विंड्स, और इन सब का इसी से पता चलता है कि इसमें जो हवाएं होती है ना, जो विंड सिस्टम है कुछ ऐसा विंड सिस्टम है जो क्या करती है, अपनी दिशा बदल देती है, है ना। इसके बारे में स्पष्ट कहा जा सकता है कि हवाएं क्या करती हैं, विंड जो है, विंड रिवर्सेस, है ना, विंड रिवर्सेस इट्स डायरेक्शन, हवा क्या करती है अपनी दिशा बदल लेती है, विंड रिवर्सेस इट्स डायरेक्शन, हवा क्या करती है अपनी दिशा बदल लेती है, विंड रिवर्सेस इट्स डायरेक्शन आफ्टर आफ्टर एवरी सिक्स मंथ्स, हर एक छह महीने के बाद, ठीक है ना, हर एक छह मंथ के बाद हवा क्या करती है अपनी दिशा बदल लेती है। थोड़ा सा देखते हैं हवा किस प्रकार से बदलती है, हर एक जो छह महीने होता है ना, तो उसमें क्या होता है कि जो विंड सिस्टम है ये जो अपनी दिशा बदलती है, इसकी दिशा कुछ इस प्रकार से हो जाती है,
अगर हम बात करें इस तरीके से तो देखते हैं कि शुरू के जो 6 महीने होता है इस तरीके से इसकी हवा ये चलती रहती है, यानी कि इसकी दिशा क्या होगी, इनकी दिशा होगी अभी यहाँ पर साउथ वेस्ट, बिकॉज मैप हम लोग इसे शो करते हैं नॉर्थ, दिस वन इज साउथ, दिस वन इज ईस्ट एंड दिस वन इज वेस्ट, है ना। तो 6 महीने जो है जून से लेकर के जून है जून से लेकर के नवंबर तक, करीब करीब नवंबर के महीने तक इसकी दिशा क्या रहती है, साउथ वेस्ट रहती है। और बाकी समय में क्या होता है, नवंबर दिसंबर से लेकर के अप्रैल मई तक इसकी दिशा क्या होती है, नॉर्थ ईस्ट होती है। क्या होती है, नॉर्थ ईस्ट होती है ना। यानी कि दिसंबर से लेकर के दिसंबर के महीने से करीब करीब लेकर के मई तक के महीनों तक इसी दिशा क्या रहती है, नॉर्थ ईस्ट रहती है। यानी कि यही है, इसी को कहा गया है यहाँ पर, ये जो मानसून है अपने देश के संदर्भ में, अगर भारत के संदर्भ में बात करें ना, तो इस मानसून के साथ ही अपने देश में वर्षा की शुरुआत होती है, इसीलिए साउथ वेस्ट मानसून का है। दूसरा नाम क्या होता है, इसी को कहते हैं अप्रोचिंग मानसून कहते हैं, यानी कि आता हुआ मानसून कहते हैं बच्चे, क्या कहते हैं, अप्रोचिंग, दिस इज कॉल्ड अप्रोचिंग मानसून। ये क्या कहलाता है, आता हुआ मानसून कहलाता है, ठीक है ना, आता हुआ, दिस इज आता हुआ, ठीक है ना, आता हुआ मानसून कहलाया। और ये कहलाया रिट्रीटिंग मानसून, क्योंकि इसके कारण वर्षा बहुत कम होती है, दिस इज नोन एज रिट्रीटिंग मानसून, है ना, मानसून जाता हुआ, रिट्रीटिंग मानसून कहलाता है। निवर्तमान मानसून कहते हैं इसको, निवर्तमान मानसून या लौटता हुआ मानसून, ये सब इसको नाम दिया गया है, लौटता मानसून। इस प्रकार से हमने देखा कि ये कैसा अपन सिस्टम है जिसमें हवाएं अपनी दिशा प्रत्येक 6 महीने के बाद क्या करती हैं, बदल लेती हैं, ठीक है ना। इसीलिए जो अपना विंड सिस्टम है, अपना विंड सिस्टम, ये जो मानसून सिस्टम है, इसको क्या कहते हैं, अस्थायी पवन तंत्र कहते हैं, पीरियोडिक विंड सिस्टम भी कहते हैं, या फिर क्या कहते हैं, टेम्पररी विंड सिस्टम कहते हैं, ओके। अब यहाँ पे बात, यहाँ से कुछ क्वेश्चन ये बनता है कि जो मानसून है इसकी खोज सर्वप्रथम किसने की, सबसे पहले इसे आइडेंटिफाई किसने दिया, किसने किया, और इस मानसून का मतलब क्या है। तो इसे हमें ध्यान रखना होगा कि जो मानसून है, मानसून मानसून कैसा शब्द है, तो मानसून इज एन अरेबिक वर्ड, कैसा वर्ड है बच्चे, अरेबिक वर्ड है, ठीक है जी दोस्तों। इसे क्या कहते हैं, मानसून कैसा है, अरेबिक शब्द है, अरेबिक वर्ड है, अरबी शब्द है, जिसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है भीतर, यानी इट हैज बीन डिराइव्ड, ये निकला है किस शब्द से निकला है, ये निकला है मौसिम शब्द से निकला है, ये अरबी के मौसिम है ना, मौसिम शब्द से निकला है, किस शब्द से निकला है, मौसिम शब्द से निकला है, ये इसका शब्द कौन सा शब्द है, मौसिम शब्द है, मौसिम शब्द से बना है मानसून, और इन सब का मतलब क्या है, तो इसका मतलब है वेदर, क्या मतलब है इसका, मौसम, वेदर मौसम। ढूंढा गया सबसे पहले, इसे अच्छे से आइडेंटिफाई किया गया अरेबियन ट्रेडर्स के द्वारा, इसके द्वारा ढूंढा गया है, अरेबियन ट्रेडर्स के द्वारा ढूंढा गया, किसने ढूंढा है इसे, अरेबियन ट्रेडर्स ने। हाउ, कैसे अरेबियन ट्रेडर्स ने कैसे ढूंढा, अरेबियन जो ट्रेडर्स है ना, यहाँ पे मध्य काल में अरेबियन ट्रेडर्स का जो है पश्चिमी पश्चिमी दक्षिणी भारत का अच्छा खासा इनका आना जाना शुरू हो गया था, अरब यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है, ठीक है, यहाँ ईरान और उसके बाद फिर अरब सारे देश यहाँ से शुरू होते हैं, अरेबियन कंट्रीज, तो इनका लगातार इस क्षेत्र से इंटरेक्शन होता रहा है, ठीक है, करीब करीब 700-500 ईस्वी के आसपास से इनका जो आना जाना यहाँ पे लगा रहा है। इस तरीके से ये आते थे सामान लेकर के, और फिर यहाँ से वापस जाते थे, आते थे और जाते थे, इस प्रकार से ये देखते थे कि कई बार कुछ ऐसी हवाएं चलती थी जो इनको सपोर्ट करते थे किसी खास महीने में, और फिर क्या करती थी, अपोज करते थे, तो इन्होंने मतलब अपनी सुविधा के अनुसार यहाँ पे अपने ट्रेड डाल किए, और साथ ही साथ यहाँ का जो मौसम था उसको भी आइडेंटिफाई किया, और उसे नाम दे दिया, क्या नाम दे दिया, मानसून दे दिया। और सबसे पहले इसका फायदा उठाने वाले कौन से लोग थे, तो अरेबियन ट्रेडर्स थे, इधर देखें तो हाल फिलहाल के समय में, ठीक है ना। तो जो मानसून है अपना, कुछ उसके बारे में यही हम कह सकते हैं इसके इंट्रोडक्शन में, कि मानसून जो है एक ऐसा पवन तंत्र है जिसमें अपनी दिशा बदलती रहती है, कुछ समय जो है समुद्र से स्थल की ओर चलती है, और फिर कैसे चलने लगती है, स्थल से समुद्र की ओर चलने लगती है। जून से नवंबर का जो महीना होता है इसमें हवाएं कैसे चलती हैं, तो इसमें हवाएं विशेष करके चल रही होती हैं समुद्र से स्थल की ओर, और फिर बाकी के शेष समय में चल रही होती हैं स्थल से समुद्र की ओर। क्या मानसून केवल भारत को प्रभावित करता है, तो ऐसा नहीं है,
मॉनसून प्रभावित करता है। असल में अगर देखें वास्तव में क्या है, एक्चुअली एक्चुअली अगर बात करें ना, तो एक्चुअली मॉनसून और कुछ नहीं, एक्चुअली मॉनसून जो है, एक्चुअली मॉनसून इज ट्रेड विंड्स। मॉनसून क्या है, ये ट्रेड विंड्स है। मॉनसून इज ट्रेड विंड्स, है ना। ट्रेड विंड्स किसको कहते हैं, तो ट्रेड विंड्स कहते हैं, इसको कहते हैं व्यापारिक पवनों को ही कहते हैं ट्रेड विंड्स। और इनकी जो दिशा है, इनका जो स्थान है, वो कहाँ पर, पृथ्वी पर। यहाँ पर है करीब करीब पृथ्वी पे जो है 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर के 30 डिग्री दक्षिण अक्षांश के बीच में जो है यहाँ पे हवाएं चल रही होती हैं। दिस वन इज 0 डिग्री, दिस वन इज अबाउट अबाउट 30 डिग्री नॉर्थ, दिस वन इज 30 डिग्री साउथ, है ना। तो यहाँ से क्या होता है, कुछ हवा चलती है जिसकी दिशा कैसी हो जाती है, ये दिशा ले लेती है, ये उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी की ओर मुड़ते हुए चलती है फेरेल के नियम के अनुसार। दक्षिणी गोलार्ध में जो है बाएं की ओर मुड़ते हुए चलती है, इस तरफ से चलती है लेफ्ट की ओर मुड़ते हुए चलती है, तो क्या कहलाती है, ट्रेड विंड्स है। और ये भी ट्रेड विंड्स है, यही जो ट्रेड विंड्स है ना, आने वाले समय में अपने टाइम पे किस रूप में ले लेती है, ये मानसून का रूप ले लेती है। इसीलिए जो मानसून है केवल भारत को प्रभावित नहीं करता, मानसून उन सभी देशों को प्रभावित करता जो यहाँ पर अवस्थित है। तो मानसून अफेक्टेड कुछ कंट्रीज के अगर नाम ले जाए कि मानसून का प्रभाव कहाँ कहाँ पर पड़ता है, तो मानसून अफेक्टेड कंट्रीज अगर कुछ है, प्रमुख देश अगर है, ये देश कौन कौन से हैं। भारत है, सबसे बढ़िया प्रभाव भारत पे पड़ता है, लेकिन इसके अलावा मानसून जो है चाइना को भी अफेक्ट करता है, ठीक है। साउथ ईस्ट एशिया को अफेक्ट करता है, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज को अफेक्ट करता है, एशियन नेशंस को अफेक्ट करता है, ऑस्ट्रेलिया को अफेक्ट करता है, ऑस्ट्रेलिया प्रभावित है इससे, मैक्सिको जैसे देश प्रभावित है, ठीक है। तो ये सब सारे देश भी अफेक्टेड है मानसून से, लेकिन मानसून का बहुत ही अच्छा रूप जो देखने को मिलता है वो किसके पास देखने को मिलता है, भारत में देखने को मिलता है, ठीक है ना। और यही रीजन है कि जो मानसून है भारतीय जलवायु का क्या बन चुका है, पर्याय बन चुका है। अब हम लोग बात करेंगे कौन कौन से फैक्टर्स जो है भारतीय मानसून को प्रभावित करते हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग मानसून, ये इंडिया के संदर्भ में हम लोग विशेष करके पढ़ने जा रहे हैं, यानी कि फैक्टर्स अफेक्टिंग मानसून। आइए इस पर बात करते हैं, भारतीय मानसून को प्रभावित करने वाले कारक। अगर भारतीय मानसून को प्रभावित करने वाले कारकों की बात करेंगे, फैक्टर्स की बात करेंगे, तो कह सकते हैं जो फैक्टर्स है, जो कारक है, महत्वपूर्ण कारक ये सब सारे। पहला तो है लोकेशन, फर्स्ट इज लोकेशन, ओके ना। लोकेशन जो है अपना ये है, लोकेशन एंड एक्सटेंशन, लोकेशन एंड एक्सटेंशन ऑफ इंडिया, लोकेशन एंड एक्सटेंशन ऑफ इंडिया अर्थात भारत की अवस्थिति, है ना। भारत अवस्थित कहां पर है, भारत की अवस्थिति, अवस्थिति विस्तार जो देश का है वो बहुत मायने रखता है। अगर बात करें अवस्थिति की, अगर बात करें तो भारत कहां पर अवस्थित है, भारत जो अवस्थित है ना, तो भारत अवस्थित है पूरे विश्व के परिप्रेक्ष्य में अगर देखें तो भारत अवस्थित है नॉर्थ ईस्ट में अवस्थित है ना। भारत इस प्रकार से नॉर्थ ईस्ट में अवस्थित है, और कुछ इस प्रकार से अवस्थित है कि इंडिया जो है इस प्रकार से इंडिया अवस्थित है, और मुख्य रूप से भारत जो है उत्तरी गोलार्ध के ट्रेड विंड्स के प्रभाव क्षेत्र में पड़ता है, उत्तरी गोलार्ध के ट्रेड विंड्स के प्रभाव में पड़ता है, यानी यहां से व्यापारिक हवाएं चलती है इसी के प्रभाव में पड़ता है भारत, ठीक है ना। और जैसा कि अभी हमने देखा कि ट्रेड विंड्स क्या होती है, तो व्यापारिक पवनें होती है, यानी कि व्यापारिक पवनों के प्रभाव में पड़ता है, क्योंकि हमारा विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से करीब करीब 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ को पड़ता है। तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट भारत जो है उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में पड़ रहा है इस तरीके से। तो इस वजह से जो है हम लोग ट्रेड विंड्स के प्रभाव में, और ट्रेड विंड्स ही मानसून है इसीलिए इस प्रकार से प्रभावित है। एक्सटेंशन की अगर बात करें, विस्तार की अगर बात करें, और इसमें लोकेशन की, तो जो भारत है ना, भारत का स्वरूप यहाँ पे कैसा स्वरूप दिख रहा है, तो पेनिनसुलर है ना। इंडिया जो है विशेष करके जो साउथ इंडिया अपने देश का, ये जो पोर्शन है ये किस शेप का है, तो पेनिनसुलर शेप का है, दिस इज पेनिनसुलर। और इसके एक तरफ क्या देखते हैं, एक तरफ देखते हैं बंगाल की खाड़ी है, क्या है, बीओ बी है बंगाल की खाड़ी है। दूसरी तरफ क्या है, तो दूसरी तरफ यहाँ पर अरेबियन सी है ना, अरेबियन सी है। ऐसे में जब हवाएं आती है होता क्या है, एक्चुअली
कि जब मॉनसून अपने देश में आ रहा होता है, यानी कि आता हुआ जो मॉनसून होता है, जब इस तरह से मॉनसून आ रहा होता है, कि मॉनसून कौन सा मॉनसून, असल में जो मॉनसून होता है ना, कि ये दक्षिणी गोलार्ध के व्यापारी को अपने होती है, दक्षिणी गोलार्ध से आने वाले व्यापारी को अपने क्या होती है, जब उत्तरी गोलार्ध पहुंचती है ना। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो सन है, सन की स्थिति यहाँ नहीं होती, बल्कि सन की स्थिति शिफ्ट कर चुकी होती है कहाँ पर, 30 डिग्री, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश के पास, 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड के पास सन के होने के कारण क्या होता है, आईटीसीएफ का उत्तर की ओर विस्थापन हो जाता है। ऐसे में जो ट्रीटमेंट्स है दक्षिणी गोलार्ध को क्या करती है, विषुवत रेखा को पार करती है और फेरेल के नियम के अनुसार इस तरीके से अपना रूप ले लेती है। और जब ये रूप लेती है तो फिर क्या मिलता है यहाँ पे, यहाँ पे दो बड़े बड़े जलाशय मिलते हैं, एक तो नीचे हिंद महासागर, ये यहाँ पर क्या है, इंडियन ओशियन है, तो इंडियन ओशियन को लेते हुए यहाँ से इंडियन ओशियन के साथ साथ फिर यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे अरब सागर, इससे जल मिलता है, बंगाल की खाड़ी से जल मिलता है और इस प्रकार से ये वर्षा करण लायक हो जाती है। तो लोकेशन और एक्सटेंशन देश का ऐसा है कि भारतीय मानसून जो है अपने देश को बहुत ही हद तक प्रभावित कर ले जाता है, अवस्थिति और विस्तार बहुत ही ज्यादा मायने रखता है। दूसरा जो मायने रखता है यहाँ पर वो क्या मायने रखता है, तो दूसरा जो फैक्टर है यहाँ पर वो है एपरेंट मूवमेंट ऑफ सन। दिस इज एपरेंट मूवमेंट ऑफ सन। सन की एपरेंट मूवमेंट भी होती है, किस प्रकार से एपरेंट मूवमेंट होती है, तो यहाँ से हमें ध्यान रखना होगा कि पृथ्वी जो है पूरी, ये जो जियो एक्सिस की अपनी अर्थ है, इसमें जो सन की जो रेज पड़ती है वो यूनिफॉर्मली एक सी नहीं पड़ती। सन की जो रेज होती है यहाँ पर कब होती है, तो यहाँ पर होती है 21 मार्च का टाइम है, 21 मार्च और 23rd of September, वो ये दो तिथियां हैं 21 मार्च और 23 सितंबर, जब सन की रेज कहाँ पर पड़ती है, विषुवत रेखा के ऊपर पड़ती है, यानी यहाँ पर लो प्रेशर बन रहा होता है। लेकिन यही क्या होता है, 21 जून के आसपास है ना, 21 जून के आसपास सन कहाँ पे आ जाता है, सन की स्थिति यहाँ बन जाती है और उस समय क्या होता है, 21 जून। अब जब सन की रेज यहाँ पे आएगी तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लो प्रेशर बनने लगेगा, और उस वक्त फिर क्या होता है, यही होता है कि यहाँ पर लो प्रेशर जब बनना शुरू होता है तो भारत में मानसून की आने की स्थिति बन जाती है। ये लो प्रेशर जब बनता है यहाँ पर, तो जो आईटीसीएफ की स्थिति यहाँ पर होती है, तो ये आईटीसीएफ उत्तर की ओर खींच सकता है, और इसके बाद फिर क्या होता है कि उत्तरी गोलार्ध की जो व्यापारिक पवने हैं, उत्तरी गोलार्ध की व्यापारिक पवने वो उत्तर की ओर खींच जाती है, और ये जो गैप बना है यहाँ पर, इस गैप को भरने के लिए दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक पवने यहाँ पर प्रवेश करती है और फेरेल के नियम के अनुसार ये उत्तरी गोलार्ध में किधर मुड़ जाती है, दाहिनी ओर मुड़ जाती है, और ये क्या बन जाता है, मानसून, बिकॉज इंडिया इज लोकेटेड समवेयर देयर, ठीक है ना। तो ये होता है, तो एपरेंट मूवमेंट जो होती है 21 जून के समय में, उसके वजह से ऐसा होता है। उसके पश्चात फिर क्या होता है, ये स्थिति उलट जाती है, रिवर्स हो जाती है, क्योंकि 23 सितंबर के पश्चात 22 दिसंबर ऐसी स्थिति होती है जब सन की रेज कहां पर पड़ रही होती है, सीधे यहां पर, यानी कि 23.5 डिग्री सदर्न जो है, ये था 23.5 डिग्री नॉर्दर्न लैटिट्यूड है, ये सदर्न लैटिट्यूड है। जब सन की रेज यहां पर पड़ेगी तो लो प्रेशर यहां पर बनेगा, साथ ही साथ जो आईटीसीएफ का क्षेत्र है, आईटीसीएफ का क्षेत्र जो है शिफ्ट होगा, साउथ की ओर शिफ्ट होगा, और ऐसे में क्या होती है, जो हवाएं हैं यहाँ वाली, जो हवा चल रही थी वो थोड़ी सी पीछे की सकती है, और ये जो हवा थी उत्तरी गोलार्ध की जो व्यापारिक पवन थी इसको पार करती है, और पार करके इस तरीके से मानसून ले आती है कहाँ पर, दक्षिणी गोलार्ध में भी मानसून ले आती है, और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में मानसून देखने को मिलता है। तो एपरेंट मूवमेंट ऑफ सन जो है ये भी बहुत ही मायने रखता है, बहुत ही महत्वपूर्ण कारण है। तो तीसरा महत्वपूर्ण कारण है ना, तीसरा महत्वपूर्ण कारण उसे हम कह सकते हैं लैंडफॉर्म्स, ठीक है ना। लैंडफॉर्म जो है यानी कि स्थलाकृतियों की अवस्थिति, लैंडफॉर्म्स भी बहुत ही प्रभावित करते हैं। लैंडफॉर्म्स किस प्रकार से मायने रखता है देखते हैं एक बार। लैंडफॉर्म्स यानी कि स्थल रूप, तरह तरह के स्थल रूप मिलते हैं देश में, भारत जो है विविधताओं का देश है, तो स्थल रूपों से भी बहुत हद तक भारतीय मानसून प्रभावित होता है। आइए देखते हैं एक बार कि स्थल रूप किस प्रकार से भारतीय मानसून को प्रभावित कर ले जाता है। स्थल रूप कुछ इस प्रकार से प्रभावित करता है कि जो भारतीय मानसून है इसके नॉर्थ में तो हो ही गया यहाँ पर हिमालय, इस तरीके से यहाँ पर क्या है, तो ये है हिमालय, दिस वन इज हिमालय, हिमालय यहाँ पर तिब्बत का पठार, दिस वन इज तिब्बतन प्लेटू, दिस वन इज थार, ये थार का रेगिस्तान है, यहाँ पर है वेस्टर्न घाट, ठीक है, दिस वन इज ईस्टर्न घाट, ये हो गया ईस्टर्न घाट,
वेस्टर्न घाट यानी कि पश्चिमी घाट, दिस वन इज ईस्टर्न घाट, ठीक है। जो हिमालय है, हिमालय का विस्तार पूरे क्षेत्र में, इस प्रकार से पूरे इस क्षेत्र में हिमालय है, ठीक है जी। यहाँ पर पहाड़ियां हैं, मेघालय की पहाड़ है, यहाँ पर शिलोंग का पठार है, पूरा जो क्षेत्र है पहाड़ी पहाड़ है। यहाँ पे थार है, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पे अरावली है, ठीक है। बाकी यहाँ पे एरेबियन सी है, यहाँ पर क्या है, तो बीओबी है, ठीक है, बीओबी, ये तिब्बत का पठार। इन सब के कारणों के कारण भारतीय मानसून बहुत हद तक प्रभावित होता है। होता क्या है कि जब दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक पुन्नी एक बार पहुंचती है, दस्तक देती है जून के महीने में, यहाँ पर इस प्रकार से आते हुए साउथ वेस्ट मानसून के रूप में, साउथ वेस्ट मानसून के रूप में जब एक बार पहुंचती है, तो क्या होता है, इस पेनिनसुलर शेप के कारण, जो इस तरीके की शेप भारत की उभर रही है, तो इसमें क्या होता है कि ये जो है वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट, इनको दिशा देने का काम करता है। भारतीय मानसून दो ब्रांचेज में बट जाता है, एक ब्रांच जो है इस तरीके से वेस्टर्न घाट के लो, दूसरी ब्रांच जो है ईस्टर्न घाट के लो, ठीक ना। यहीं पे और भी पर्वतमाला है, जैसे विंध्याचल है, सतपुड़ा है, इन सब के कारण भी क्या होता है, कुछ यहाँ पर जो है दर्रे भी है, इन सब के कारण क्या होता है, जो भारतीय मानसून है उसका स्वरूप बहुत ही अस्पेसिफिक हो जाता है। जहां जहां पे थोड़ा सा ये मिलता है, चांसेस मिलते हैं भारतीय मानसून इन भी करता है, लेकिन मोस्टली जो भारतीय मानसून यहाँ से आगे की ओर बढ़ता है और यही बन जाता है कौन सा ब्रांच, इसको कहते हैं अरेबियन सी ब्रांच कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चे, अरेबियन सी ब्रांच, यानी कि अरब सागर शाखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अरब सागर शाखा बोलते हैं। और ये जो ब्रांच बनती है क्या कहलाती है, बीओबी ब्रांच कहलाती है। क्या कहलाती है, बीओबी ब्रांच कहलाती है, यानी कि बंगाल की खाड़ी शाखा कहलाती है। अब इसमें हो क्या है, इन सब चीजों का रोल क्या है, जैसे कि थार है, जब हीटिंग होती है यहाँ पर, जैसा कि अभी हमने देखा कि करीब करीब जून आते आते है ना, 21 जून के आसपास सन की स्थिति कहाँ पर होती है, सन की स्थिति यहाँ पर होती है 23.5 डिग्री के आसपास, 23.5 डिग्री के आसपास। तो सन के यहाँ होने के कारण क्या होता है, पूरा का पूरा जो अस्थल क्षेत्र है, ठीक है ना, ये पूरा डेजर्ट है, थार भी डेजर्ट है। तो इस प्रकार से यहाँ पे एक्सट्रीम लो प्रेशर की स्थिति देखने को मिलती है, तिब्बत में एक्सट्रीम लो प्रेशर की स्थिति देखने को मिलती है, जबकि इसके कंपेरिजन में जो इंडियन ओशियन है यहाँ पे कैसी स्थिति देखने को मिलती है, दे डेवलप इनटू हाई प्रेशर, एक्सट्रीम हाई प्रेशर के रूप में डेवलप होते हैं, हाई प्रेशर के रूप में डेवलप हो जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे में क्या होगी, स्थिति बनेगी कि समुद्र से अस्थल की ओर हवाएं चलनी शुरू करें, तो इस गैप को भरने के लिए यहाँ हवाएं चलनी शुरू होती है, इसमें ये बहुत ही मायने रखता है। जहां तक तिब्बत की बात है, तो तिब्बत जो है दुनिया का सबसे बड़ा और ऊंचा पठार है, यहाँ पे करीब 5,00,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया विस्तृत है। इसके हीट होने के कारण क्या होता है, यहाँ की जो हवा है गर्म होकर के तेज ऊपर उठती है, और यहाँ पर एक जेट स्ट्रीम का निर्माण होता है, इसको कहते हैं ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम कहते हैं। बच्चे क्या कहते हैं, ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम। ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम जो फॉर्म होता है ना, ये जेट स्ट्रीम क्या है, जेट स्ट्रीम में ऊपरी क्षोभ मंडल में चलने वाली तेज हवाएं होती है जो पूरी पृथ्वी पे चलती है, सर्कुलाकार रूप में चलती है। तो जो ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम यहाँ पर फॉर्म हुई, यानी कि ये लोकली यहाँ पर फॉर्म होती है, इससे हीटिंग होने के कारण कुछ हवा अपलिफ्ट होती है यहाँ से, और अपलिफ्ट होकर इस प्रकार से ये जो है अफ्रीका के पूर्वी तट के पास गिरती है, यानी कि यहाँ से अगर कहाँ गिरती है, हिंद महासागर में गिरती है, इंडियन ओशियन में अफ्रीका के पास मस्करनेस करके एक जगह है, वहां पे आगे गिरती है और वहां एक्सट्रीम हाई प्रेशर बनाती है, ठीक है ना। ऐसे ही हाई प्रेशर होता है, उस हाई प्रेशर को और भी इंटेंसिफाई कर देती है। इस प्रकार से भारतीय मानसून और सशक्त ढंग से यहाँ से बहने की कोशिश करता है और बहता है, ये दिशा दे ही दिया यहाँ पर। यहाँ पर फिर क्या देखते हैं, जो अपना नॉर्थ ईस्ट है, इस नॉर्थ ईस्ट में यहाँ जो है पहाड़ियां जो है पूर्वांचल की पहाड़ियां और हिमालय की पहाड़ियां, वो इस तरीके से कुछ कीपाकार स्थिति का निर्माण करती है, यहाँ पे जो है कीपाकार स्थिति बनाती है। तो हवाएं यहाँ से आती तो है इसमें, लेकिन आने के बाद क्या होता है, इसको आगे जाने का मार्ग नहीं मिलता। ऐसे में हवाओं के पास एकमात्र विकल्प होता है कि दे वेंट टुवर्ड्स वेस्ट, है ना, दे स्टार्ट मूविंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, यहाँ से इस तरफ वो चलने शुरू होते हैं, है ना, दे स्टार्ट मूविंग फ्रॉम वेस्ट ईस्ट टू वेस्ट अलोंग द हिमालय रेंज, ठीक है ना। हिमालय रेंज के चारों इस तरीके से होते हुए बहते बहते पूरे जो है जैसे जैसे टकराती है, नॉर्थ इंडिया जो है वर्षा रिसीव करता चला जाता है, हाँ? इस तरीके से पूरे नॉर्थ इंडिया में वर्षा होती है, नॉर्थ ईस्ट में वर्षा होती है। यहाँ पर जो पूर्वी ये है, यहाँ पे थोड़ी सी वर्षा ज्यादा होती है, क्योंकि हवाओं के सीधे सीधे टकराने का क्षेत्र पश्चिमी घाट, जो पूर्वी घाट है थोड़ा पैरेलल होने के कारण हवा यहाँ पे कम वर्षा कराती है, लेकिन वर्षा कराती है और अल्टीमेटली यहाँ से होते हुए वर्षा ये जो है हो जाता है। तो इस तरीके से ये सब जो असलाकृतियां बहुत हद तक जो है भारतीय मानसून को प्रभावित करने वाले फैक्टर्स के तौर पर हम गिन सकते हैं कि हाँ बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्टर्स हैं, ठीक है। यहाँ पे ये ध्यान रखना होगा कि जो अरेबियन सी का लोकेशन है यहाँ पर, और ये जो पेनिनसुलर शेप बहुत ही मायने रखता है, इसीलिए शायद इसी वजह और हिमालय
अगर हिमालय नहीं होता तो भले ही वर्षा आर्द्रता लेकर के आ रही थी, लेकिन इस आर्द्रता से भारत में वर्षा नहीं होती, ये जो है आगे बढ़ सकती थी, आगे जा सकती थी। यहाँ पर देखें तो ये अरावली है, ठीक है ना, अरावली है। लेकिन ये चीज यहाँ पे सीखने को मिले कि अरावली होने के कारण, चूंकि अरावली हवाओं के समानांतर है, इस तरीके से विस्तृत है, इसीलिए जो थार का क्षेत्र उतनी वर्षा प्राप्त नहीं करता जितना भी नॉर्थ ईस्ट या फिर उत्तर भारत का मैदान या फिर पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के क्षेत्र वर्षा प्राप्त करते हैं। तो इस चीज को ध्यान रखना होगा कि भारतीय मानसून जो है अपना कई सारे फैक्टर से प्रभावित है। अब देखते हैं कि भारतीय मानसून की कार्य प्रणाली किस प्रकार से वर्क करती है, आखिर फंक्शन कैसे करती है, और फिर एनसो से किस प्रकार से प्रभावित होती है, यानी कि हम लोग बात करेंगे थोड़ी सी मानसून के मैकेनिज्म पे। लेट्स स्टार्ट मैकेनिज्म ऑफ मानसून, मानसून की कार्य प्रणाली। मानसून की फंक्शनिंग कार्य प्रणाली, मानसून की कार्य प्रणाली, ओके ना, फंक्शनिंग ऑफ मानसून या फिर क्या लें मैकेनिज्म, मैकेनिज्म ऑफ मानसून, ठीक है। हम लोग विशेष करके संदर्भ में पढ़ रहे हैं, किस मानसून के संदर्भ में, भारत के संदर्भ में हम लोग पढ़ रहे हैं, ओके ना। अब बस अच्छे से यहां से समझ लेना एक बार फिर से इन चीजों को, कि जो भारत है वो इस तरीके से है, ओके ना। दिस इज इंडियन मॉनसून, भारत का ये हो गया। अब यहां पर है ये होगी इक्वेटर यानी कि विषुवत रेखा, ठीक है। यहां पर जो है ये हिमालय का पूरा रेंज हो गया, तीन रेंजेस के रूप में हिमालय यहाँ पर विस्तृत है, ओके। ये यहाँ पर हो गया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कि कर्क रेखा का क्षेत्र हो गया, दिस इज 23.5 degree नॉर्थ लैटिट्यूड। लो प्रेशर एरिया, दिस इज लो प्रेशर एरिया, लो प्रेशर एरिया, लो प्रेशर एरिया, दिस वन इज तिब्बतन प्लेटू, तिब्बतन प्लेटू, तिब्बत का पठार, दिस इज ऑल्सो लो प्रेशर एरिया। थार, थार डेजर्ट, लो प्रेशर एरिया, लो प्रेशर एरिया। आरावली रेंज, आरावली पर्वत, विंध्याचल सतपुड़ा, ओके, विंध्याचल एंड सतपुड़ा। एयर इट इज वेस्टर्न घाट यानी कि पश्चिमी घाट पर्वत, पश्चिमी घाट पर्वत यानी कि वेस्टर्न घाट्स, ईस्टर्न घाट्स, ओके। दिस वन इज मालाबार कोस्ट, ये अरेबियन सी, अरब सागर। दिस वन इज बीओबी, बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल। जून के समय में, जून जब आएगा 21 जून को सन की स्थिति कहां पर, यहां आईटी स्टेट का विस्थापन, उत्तर की ओर आईटी स्टेट का विस्थापन हो जाता है, लो प्रेशर हो गया। यहां पर जो दक्षिण की हवाएं यहां से आई, इस प्रकार से यहां से इसे पार करें और फिर फेरल के नियम के अनुसार ये क्या हो गया, चेंज हो गई इस तरीके से, दिशा इसने ले लिया, कौन सा दिशा ले लिया, दिस इज साउथ वेस्ट, साउथ, साउथ वेस्ट। यहाँ जैसा कि हमने पढ़ा ये लो प्रेशर क्षेत्र में बदल चुका है, थार का रेगिस्तान लो प्रेशर क्षेत्र बन चुका है, एक्सट्रीम लो प्रेशर हीटिंग के कारण ये हवाएं बहुत अच्छे से वहां पे आकर्षित होती है। यहां से जो है ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम भी तैयार होता है, ईस्टर्ली, ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम,
जेट स्ट्रीम यानी कि यहाँ की हवा ऊपर उठती है और ऊपर उठ करके हिंद महासागर में गिरती है, अफ्रीका के तट के पास गिरती है, यहाँ पे गिरती है, जिसके कारण इस क्षेत्र में हिंद महासागर में एक्सट्रीम हाई प्रेशर का निर्माण होता है जो कि भारतीय मानसून को और भी प्रमोट करती है तेज आगे बढ़ने के लिए। जब मानसून आती है इसका जो समय होता है वो होता है 1st of June, उसी को कहते हैं मानसून का आना और वही कहलाता है मानसून बर्स्ट कहलाता है। क्या कहलाता है? मानसून बर्स्ट। क्या कहलाता है? मानसून बर्स्ट कहलाता है। और मानसून बर्स्ट जो है यानी कि मानसून प्रस्फोट कहते हैं। मानसून की शुरुआत कब हो जाती है? 1st week of June, 1st week of June को मानसून की शुरुआत होती है। क्वेश्चन आता है कि मानसून बर्स्ट से क्या तात्पर्य है? तो मानसून बर्स्ट से तात्पर्य है मानसून का इसका मतलब क्या है? सडन बिगिनिंग ऑफ मानसून रेन ब्रॉट रेनफॉल। ये कहां पे स्टार्ट होगी? फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मेन लैंड मास की बात करें तो ये स्टार्ट होगी कहां पर? केरल में, है ना। तो फर्स्ट वीक ऑफ जून और ये कहां पर होगी स्टार्ट? ये होगी केरल में स्टार्ट होगी, है ना। केरला में कौन सी जगह होगी? इट वुड बी मालाबार कोस्ट। कहां पर होगी जी बच्चे? मालाबार तट पर होगी केरल में, है ना। पहली जो वर्षा होती है मालाबार तट में ही होती है, केरला में होती है, ठीक है ना। यहाँ फर्स्ट वीक ऑफ जून में इसी के साथ क्या होता है? मानसून की शुरुआत होती है। अब इसकी दिशा क्या है? साउथ वेस्ट। इसीलिए अप्रोचिंग मानसून जो होता है, अप्रोचिंग मानसून भी इसी को कहते हैं और इसी का नाम है अप्रोचिंग मानसून भी हम इसे कहते हैं, या फिर इसी को क्या कहते हैं? साउथ वेस्ट मानसून भी इसी को कहते हैं। क्या कहते हैं? अप्रोचिंग मानसून या साउथ वेस्ट मानसून। अप्रोचिंग मानसून या साउथ वेस्ट मानसून इस तरीके के ट्रायंगुलर शेप के कारण, इस तरह के पेनिनसुलर शेप के कारण दो इसकी ब्रांचेस बन जाते हैं। टू ब्रांचेस फॉर्म करते हैं। दो ब्रांचेस, दो शाखाएं बनती हैं। कौन कौन सी दो शाखाएं बनती हैं? एक शाखा होगी अरेबियन सी ब्रांच, फर्स्ट इज अरेबियन सी ब्रांच, एंड द सेकेंड इज बीओबी ब्रांच। ओके, अरेबियन सी ब्रांच है, बीओबी ब्रांच। जो अरेबियन सी ब्रांच है उसका जो, उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो वेस्टर्न घाट्स और पश्चिमी जो भारत है वहां पे वर्षा कराना है, इस पूरे क्षेत्र में वर्षा कराना है और फिर यहाँ तक पहुंच जाना है, ठीक है। बाय 15th of July, 15 जुलाई के आसपास अगर यहाँ शुरुआत हो रहा है जून में, जून के फर्स्ट वीक में, तो 15th of July तक कहाँ पे पहुंच जाती है मानसून? यहाँ पे पहुंच जाती है, ठीक है ना। 15 जुलाई तक यानी कि 1.5 महीने मानसून यहाँ पे पहुंच जाती है, इस क्षेत्र में खूब वर्षा होती है। ये थोड़ा सा ध्यान देना है कि जो वर्षा का प्रकार है कौन सी वर्षा है, ये जो है ओरोग्राफिक रेनफॉल है। वर्षा जो होती है अपने देश में ये किस प्रकार की वर्षा चली? ये चली ओरोग्राफिक रेनफॉल चली। कैसी वर्षा चली बच्चे? ओरोग्राफिक रेनफॉल चल रही है। इस वर्षा में क्या होता है कि जो वेस्टर्न घाट्स है, वेस्टर्न घाट्स का जो वेस्टर्न कोस्ट है वो ज्यादा वर्षा प्राप्त कर लेता है। यहाँ पे कहा जाता है कि जैसे कि मुंबई है, मुंबई में पुणे की तुलना में ज्यादा वर्षा होती है। मुंबई में वर्षा होती है 200 सेंटीमीटर, वहीं पर पुणे में जो वर्षा होती है वो होती है 80 सेंटीमीटर, ठीक है ना। ये स्थिति देखने को मिलती है मैंगलोर और बैंगलोर में। मैंगलोर में जहाँ ज्यादा वर्षा होती है, बैंगलोर में कम वर्षा होती है, 270 सेंटीमीटर वर्षा होती है। असल में जो ओरोग्राफिक रेनफॉल होता है उसमें वर्षा का नेचर ही ऐसा होता है कि जिस क्षेत्र में, जिस स्लोप में हवा टकराएगी वहां पे ज्यादा ऊंचा जाएगी और वहां पे क्लाउड्स भी ज्यादा फॉर्म करेगी और वर्षा ज्यादा होगी, ठीक है ना। इसको कहते हैं विंडवर्ड स्लोप कहते हैं। और जहां पर जो है जिस ढाल के सहारे हवा नीचे की ओर उतरेगी तो नीचे उतरने वाली हवा मॉइस्चर को रिलीज करती है, जबकि ऊपर उठने वाली हवा मानसून को ये जो है एब्जॉर्ब करती है। ऊपर उठने वाली हवा मानसून रिलीज करती है कि वर्षा कराती है और ये जो है वर्षा नहीं कराती। इसको कहते हैं वृष्टि छाया प्रदेश कहते हैं, या फिर क्या कहते हैं? लीवर्ड। इसे कहते हैं लीवर्ड स्लोप कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चे? लीवर्ड स्लोप कहते हैं या फिर कहते हैं वृष्टि छाया प्रदेश। यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है कि वृष्टि छाया प्रदेश क्या है? तो वृष्टि छाया प्रदेश जो है हवाओं के उतरने की जगह, जहां पे हवा पर्वतों के ढाल के सारे नीचे उतरते हैं, उसको क्या कहते हैं? वृष्टि छाया प्रदेश कहते हैं। यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात होगी कि जो अरेबियन सी ब्रांच है यहाँ पर पश्चिम भारत में तो वर्षा कराती है, लेकिन यहाँ पर अरावली पहुंचने के बाद, थार पहुंचने के बाद इसके कारण वर्षा बहुत ही कम होती है, क्योंकि थार जो अरावली पर्वत है ना वो हवाओं के क्या है? पैरेलल है। और जो थार का रेगिस्तान है वो क्या है? तो थार का रेगिस्तान अपने आप में इतना ड्राई है कि इसकी जो बची कुची जो मॉइस्चर होती है सबकी सब क्या होती है? सूख जाती है। दूसरी तरफ क्या होता है? जो बीओबी ब्रांच है, जब यहाँ से हवा इधर पार कर रही होती है तो बीओबी ब्रांच जो है ये ईस्टर्न घाट के पैरेलल कुछ हद तक पड़ जाता है। इसीलिए जितनी वर्षा वेस्टर्न घाट पर होती है उतनी वर्षा इधर नहीं हो पाती, क्योंकि ये क्या है? ऑलमोस्ट पैरेलल है। तो थोड़ी बहुत तो वर्षा होती है लेकिन इतनी वर्षा प्राप्त नहीं होती। अगर क्वेश्चन पूछा जाए
which coast of India, यानी eastern or western, receive more rainfall than it is western, which receive more rainfall than the eastern coast, because western coast is located just to the opposite of the southwest wind, and eastern is almost parallel to the southwest southwest monsoon, ना, यानी कि BOB branch of monsoon. But when this branch reaches northeast, जब ये northeast पहुंचती है branch, तो यहाँ पे क्या पाती है? यहाँ पाते हैं हिमालय को और यहाँ पे पूर्वांचल हिल्स को पाती है. यहाँ पे कौन से हिल्स हैं? पूर्वांचल हिल्स हैं. यहाँ पे मेघालय में दारो, खासी जयंतिया, असम में बरेल की रेंज, यहाँ पे जो है मिकिर की पहाड़ी, यहाँ पे जो है और मिजो की पहाड़ी, मणिपुर की पहाड़ियाँ, नाफ्ला, मिसमी सारी पहाड़ियाँ यहाँ पर है. अब ऐसे में क्या होती है, जो मानसून की ब्रांच है ना, ये इधर पार नहीं कर पाती, बल्कि क्या होती है, ये मुड़ जाती है ना, और हिमालय के अलोंग ही मुड़ते हुए पूरे उत्तर भारत में वर्षा कराती है. और इस प्रकार से बाई 15th of July ये फिर से कहाँ पर पहुंच जाती है, करीब करीब पंजाब, हरियाणा और पूरे हिमालय जो है जम्मू कश्मीर क्षेत्र तक पहुंच जाती है. एक बार फिर यहाँ पे देखने को मिलता है कि जो हिमालय है ना, हिमालय के दक्षिणी ढाल पे तो वर्षा होती है, इसकी उत्तरी ढाल पे वर्षा नहीं होती. क्यों? क्योंकि ये जो पूरा का पूरा क्षेत्र है कैसा क्षेत्र बदल जाता है, रेन शेडो एरिया. कैसे क्षेत्र बदलता है बच्चे? रेन शेडो एरिया में बदलता है. और अगर पूछा है कि भारत की सबसे अधिक वर्षा का स्थान कौन सा है, तो हमें यहाँ जानना चाहिए जगह कौन सा है. दिस इज मौसिनराम, दिस वन इज मौसिनराम, जो है ये सबसे ज्यादा वर्षा का क्षेत्र है. यहाँ पर जो वार्षिक वर्षा होती है औसतन 1.2 सेंटीमीटर जो है प्रति वर्ष होती है, जबकि जो सबसे लीस्ट जो रेनफॉल की जगह हुई है लद्दाख है, सबसे कम वर्षा का क्षेत्र है, जहाँ पर वर्षा होती है करीब 5 सेंटीमीटर एनुअल होती है वर्षा होती है. क्योंकि जो वृष्टि छाया प्रदेश में पड़ता है, मौसिनराम में इतनी वर्षा इसलिए होती है क्योंकि मौसिनराम की पहाड़ियां किस प्रकार की है, मौसिनराम की पहाड़ियां हैं इस तरह की कीपाकार, यहाँ पर पहाड़ियां फॉर्म करती है, तो फनल शेप के कारण, कीपाकार पहाड़ियों के कारण, कीपाकार पहाड़ियों के कारण यहाँ जो है वर्षा ज्यादा होती है. तो इस प्रकार से मानसून की कार्य प्रणाली यही है, यानी कि जून के बाद से ये सब सारी चीजें शुरू हो जाती है, मानसून बहुत अच्छे से काम कर रहा होता है, फिर इसके बाद सन की स्थिति बदलती है एक बार फिर से, जून जुलाई अगस्त सितंबर, सितंबर के आसपास जो है एक बार फिर से सन की स्थिति कहाँ पर पहुंच जाती है, सन की स्थिति वापस पहुंच जाती है कहाँ, विषुवत रेखा पर. समय क्या है, 23rd of September. इसी के साथ जो दक्षिण पश्चिम मानसून है उसकी स्थिति कमजोर पड़ने लगती है. जो मानसून यहाँ यहाँ तक पहुंच रहा होता है वो क्या होता है, धीरे धीरे करके पीछे की ओर ठहरना शुरू करता है. उसी चीज को हम कहते हैं मानसून रिट्रीटिंग कहते हैं बच्चे. क्या कहते हैं? मानसून का रिट्रीट होना, यानी कि मानसून का वापिस होना. ये हो गया रिट्रीटिंग ऑफ मानसून, दिस इज नोन एज रिट्रीटिंग ऑफ मानसून. मानसून जो है पीछे लौटने लगता है, मानसून एक तो के पीछे लौटने लगता है, जैसे जैसे ये पीछे लौटने लगता है वैसे वैसे लौटते मानसून का स्थान उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवन लेती चली जाती है. यानी कि ये जैसे जैसे हवा पीछे लौटती है, यहाँ की जो उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवन है वापस लौटने लगती है, इन क्षेत्रों में वापस लौटने लगती है. अब चूंकि इनकी दिशा क्या है, इनकी दिशा है नॉर्थ ईस्ट है ना, इनकी दिशा जो है नॉर्थ ईस्ट है, इसलिए रिट्रीटिंग मानसून का दूसरा नाम क्या दिया गया है, नॉर्थ ईस्ट मानसून दिया गया है. क्या दिया गया है? नॉर्थ ईस्ट मानसून दिया गया है. नॉर्थ ईस्ट मानसून या फिर रिट्रीटिंग मानसून इसको कहते हैं. क्वेश्चन यह है कि क्या नॉर्थ ईस्ट मानसून या रिट्रीटिंग मानसून उतनी वर्षा कराता है जितनी वर्षा आते हुए मानसून से होती है? तो नहीं, नॉर्थ ईस्ट मानसून ब्रिंग्स लिटिल रेनफॉल है ना, इट ब्रिंग्स लिटिल रेनफॉल, इसके कारण जो है बहुत ही कम वर्षा होती है. इट ब्रिंग्स लिटिल रेनफॉल, लिटिल रेनफॉल या वर्षा कम होने का कारण क्या है? इस वर्षा के कम होने का कारण है क्योंकि ये जो मानसून होता है अधिकांशतः कहाँ से गुजरता है? ओवर लैंड मासेस है ना, ये जो है स्थल के ऊपर से गुजरती है ज्यादा करके, तो लैंड मासेस के ऊपर से पार होने के कारण ये ज्यादा वर्षा नहीं कराते. इसके कारण जो वर्षा होती है कुछ हद तक जब ये हवा यहाँ से गुजर रही होती है, तो इसके कारण जो वर्षा होती है वो विशेषता होती है अपने तमिलनाडु में, यहाँ पर वर्षा होती है, ठीक है ना. और इस तट को क्या कहते हैं? इस तट को कहते हैं कोरोमंडल तट. इसलिए पूछा जाता है कि जाड़े में कहाँ पर वर्षा होती है, उस समय जाड़े का समय आ रहा होता है, तो ये जो अक्टूबर नवंबर का महीना है, अक्टूबर नवंबर है ना, इन सब महीनों में जो वर्षा होती है वर्षा कहाँ पर होती है, यानी कि जो विंटर की रेनफॉल होती है, विंटर जो रेनफॉल होती है ना, विंटर की रेनफॉल होती है वो कहाँ पर होती है? विंटर रेनफॉल होती है विशेष करके तमिलनाडु में, कुछ हद तक आंध्र प्रदेश में, थोड़ी बहुत केरला में होती है, ठीक है. इसी को हम कहते हैं विंटर रेनफॉल कहते हैं. यानी कि जो रिट्रीटिंग मानसून है, लौटता हुआ जो मानसून है, वर्षा कहाँ पे कराया जाता है? यहाँ पर कहा जाता है. मानसून के रिट्रीट होने का कारण क्या है? एक तरह से कह सकते हैं सन का रिट्रीट होना, क्योंकि सन अब किधर जा रहा है? साउथ की तरफ जा रहा है. मानसून जाने की तैयारी कहाँ है? सदर्न हेमिस्फीयर में. इस प्रकार से
जो लौटता मानसून है बहुत ही कम वर्षा प्राप्त करता है, क्योंकि किसके ऊपर से गुजरता है, ये गुजरता है फसल के ऊपर से गुजरता है, इसलिए इससे ज्यादा वर्षा प्राप्त नहीं होती। इसी में क्या होता है कि मानसून जो है कई बार ब्रेक बीच में मानसून में आता है, देखने को आता है वर्षा होती है, उसे कहते हैं मानसून ब्रेक भी कहते हैं। ये भी एक जो है यहाँ से पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट बन करके उभरता है, मानसून ब्रेक कहते हैं। क्या कहते हैं? मानसून ब्रेक, यानी कि मानसून विच्छेद। क्या कहते हैं बच्चे? मानसून विच्छेद बोलते हैं इसे। मानसून विच्छेद में क्या होता है कि वर्षा जो है पोस्टपोन्ड हो जाती है ना, पोस्टपोन्ड होती है, पोस्टपोन्ड हो जाती है टेम्पोरली, पोस्टपोन्ड टेम्पोरली। क्यों टेम्पोरली पोस्टपोन्ड होती है? इसलिए टेम्पोरली पोस्टपोन्ड होती है कि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि सन के यहाँ पे स्टेब्लिश होने के कारण क्या होता है, ये जो पूरा का पूरा क्षेत्र है उत्तर भारत के जो मैदानी इलाका है इसमें बदल जाता है, तो लो प्रेशर एक्सिस में बदल जाता है। ये जो है लो प्रेशर एक्सिस में बदलता है, और ये लो प्रेशर एक्सिस जब तक ये बना रहता है अपनी जगह पर, तो मानसून इसी तरीके से कार्य कर रहा होता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, नेचुरली ये जो लो प्रेशर एक्सिस है कभी थोड़ा बहुत नॉर्थ की ओर शिफ्ट कर जाता है, यानी कि हिमालय की तरफ जाता है, कभी जो है साउथ की तरफ जाता है, तो इसके कारण जो वर्षा होती है ना, उस वर्षा में क्या होती है, उतार चढ़ाव देखने को मिलता है कहीं पर, उसके कारण क्या होती है, गैप उत्पन्न होता है, तो उसी को कहते हैं मानसून ब्रेक कहते हैं, जिसके कुछ दिनों का कुछ सप्ताह का ब्रेक हो सकता है, कभी वर्षा इधर वर्षा की मात्रा बढ़ जाती है, कभी जो वर्षा साउथ की तरफ बढ़ जाती है। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन जैसे कि पूछा जाता है कि क्या उत्तर भारत में वर्षा पूरे उत्तर भारत के मैदान में वर्षा एक सी होती है, तो बात ऐसी नहीं है। जैसे जैसे यहाँ से जैसे जैसे हम उत्तर भारत के मैदान में पूर्व से पश्चिम की ओर जाएंगे तो वर्षा की मात्रा क्या होती है, घटती चली जाती है, यानी कि ईस्ट टू वेस्ट जाने पर, ईस्ट टू वेस्ट की ओर जाने पर क्या होती है, जो अमाउंट ऑफ रेनफॉल है बच्चे वो क्या होगा, वो डिक्रीज होगा। उसका कारण क्या, उसका कारण है समुद्र से बढ़ती हुई दूरी। यहाँ पर बीओबी यहाँ पर देख रहे हैं, जैसे जैसे बीओबी से दूर जाएंगे तो वर्षा की मात्रा क्या होगी, घटती चली जाएगी। जैसे कि अब आरावली है, आरावली की क्या दोनों ओर वर्षा होगी समान? नहीं, आरावली की दोनों ओर वर्षा समान नहीं होती। इधर जो है आरावली का जो पूर्वी ढाल है ये ज्यादा वर्षा प्राप्त करता है, और ये वर्षा विशेष करके इस बीओबी ब्रांच से वर्षा होती है, जबकि इधर की जो वर्षा होती है यहाँ पे हवाओं के पार हो जाने की वर्षा नहीं होती। इसी प्रकार से यहाँ पर हमने समझा कि मौसम नाम इतनी ज्यादा वर्षा क्यों होती है, तो ये सब जो है मॉनसून का एक प्रकार का मैकेनिज्म है। इसमें हमें ध्यान रखना है कि उत्तर भारत में वर्षा पूर्व से पश्चिम की ओर घटती चली जाएगी, जबकि पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ती चली जाएगी। उसी तरीके से यहाँ पर अगर हम बात करें तो दक्षिण से उत्तर की ओर जैसे जैसे जाएंगे वर्षा की मात्रा क्या होगी, घटती चली जाएगी। यहाँ पर भी वही स्थिति होती है, वर्षा की मात्रा घटती चली जाती है। इसमें तिब्बत का क्षेत्र, इसमें हिमालय का क्षेत्र, इसमें थार का रेगिस्तान, इसमें विंध्याचल क्षेत्र, सतपुड़ा का क्षेत्र बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और भारतीय मानसून को अपने अपने तरीके से प्रभावित करने की कोशिश करता है। क्या कुछ और फैक्टर्स हैं जो भारतीय मानसून को प्रभावित करते हैं, कुछ बाहरी फैक्टर्स? तो हाँ, इसका आंसर है हाँ। आइए समझते हैं फैक्टर्स कौन कौन से हैं। उसमें एक महत्वपूर्ण फैक्टर है एल नीनो, ठीक है, और उसी से हमारा एक ये बनता है पॉइंट बनता है जिसको कहते हैं एनसो कहते हैं। आइए एनसो को भी डिस्कस करते हैं। एनसो दिस इज कॉल्ड एल नीनो सदर्न ऑसिलेशन। क्या कहलाता है बच्चे? एल नीनो सदर्न ऑसिलेशन कहलाता है। एल नीनो सदर्न ऑसिलेशन है ना, इस तरीके से एल नीनो सदर्न ऑसिलेशन। पहले समझते हैं एल नीनो है क्या। एल नीनो जो है यहाँ पे तो भारत है ये, और ये विषुवत रेखा है, ये विषुवत रेखा है, और यहाँ पर क्या है, ये मान लेते हैं कि विश्व ने साउथ अमेरिका ये है प्रशांत महासागर, पैसिफिक ओशियन है, और यहीं पे साउथ अमेरिका के पास, साउथ अमेरिका के तट के साथ एक धारा चल रही होती है जिसका नाम है हम्बोल्ट करंट या फिर पेरू करंट, जो कि कोल्ड करंट है, ठीक है। लेकिन क्या होता है, पेरू करंट जब वहां पर चलती है तो यहाँ पर प्रेशर कैसा रहेगा, यहाँ पर प्रेशर जो है हाई प्रेशर रहता है, क्योंकि करंट कैसी करंट है, कोल्ड करंट, उसी कंपेरिजन में यहाँ की जो करंट होती है क्या होती है, यहाँ का जो प्रेशर रहता है वो लो प्रेशर रहता है। बीच में यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया भी है, तो इस तरीके से जो है ना यहाँ जो है हाई प्रेशर रहता है, जबकि हिंद महासागर में क्या रहता है, लो प्रेशर रहता है। दो स्थान यहाँ पे निर्धारित किए गए हैं, एक है प्रशांत महासागर में ताहिती, और यहाँ पर एक स्थान इसका नाम है डार्विन। ताहिती और डार्विन ये हिंद महासागर में पड़ा, और ताहिती जो है प्रशांत महासागर में पड़ा।
तो सामान्य प्रश्नों में ताहिती का जो होता है प्रेशर, ताहिती ताहिती का जो प्रेशर है वो क्या होगा, तो ताहिती का जो प्रेशर होता है डार्विन से ज्यादा होता है ना, डार्विन से ज्यादा होता है। लेकिन फिर क्या होता है, कुछ असामान्य वर्षों, कुछ वर्षों के अंतराल पर ये धारा थोड़ी मंद पड़ जाती है और इसके जगह उत्तर से दक्षिण की ओर धारा चलनी शुरू होती है, उसी का नाम क्या है, एल नीनो। क्या नाम है इसका, एल नीनो करके नाम है, एल नीनो कहते हैं इसको। और एल नीनो जो है एक वार्म करंट है जो पेरू करंट के पास से चलती है, जब ये चलती है तो हाई प्रेशर किसमें बदल जाता है, लो प्रेशर में बदल जाता है, और इधर का जो लो प्रेशर किसमें बदल जाता है, हाई प्रेशर में बदल जाता है। यानी कि जो ताहिती है, ताहिती का जो प्रेशर है वो किसमें लो हो जाता है, डार्विन का प्रेशर क्या होता है, हाई हो जाता है। और फिर क्या होगा, जब ऐसी स्थिति उत्पन्न होगी तो जो इधर का मॉइस्चर है उसका एक पोर्शन शिफ्ट करता है, किस तरफ शिफ्ट करता है, प्रशांत महासागर की ओर पोर्शन इसका शिफ्ट करता है। और फिर उन वर्षों में क्या होगा, जब भारतीय मानसून आएगा तो या तो जो भारतीय मानसून है वो यहाँ से लेट सेट आएगा, और आता भी है तो फिर वो जो है उतना इफेक्टिव नहीं होता, उतना प्रभावकारी नहीं होता, और भारतीय मानसून क्या हो जाता है, वीक हो जाता है। इंडियन मानसून जो है, भारतीय मानसून वीक पड़ जाता है। कैसा पड़ जाता है, वीक पड़ जाता है। इसी घटना को बोला जाता है एनसो बोलते हैं। क्या बोलते हैं इस घटना को, एनसो बोलते हैं, एल नीनो सदर्न ऑसिलेशन। ऑसिलेशन इसलिए क्योंकि यहाँ जो प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की यहाँ पे बात हो रही है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर में क्या हो रहा है, उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है, कभी यहाँ पे ज्यादा है ताहिती में ज्यादा है तो डार्विन में कम, जब डार्विन में ज्यादा है तो ताहिती में कम, तो प्रेशर में जो उतार चढ़ाव देखने को मिलता है, कम और अधिक होने को होता है, इसी चीज को क्या कहते हैं, सदर्न ऑसिलेशन, यानी क्या कहते हैं इसको, दक्षिणी दोलन कहते हैं। ये दक्षिणी दोलन से तात्पर्य क्या है, तो इस दक्षिणी दोलन से तात्पर्य है प्रेशर में आने वाला उतार चढ़ाव, और उस उतार चढ़ाव का कारण क्या है, उतार चढ़ाव का कारण है एल नीनो, जो कि गर्म जल धारा जो कहाँ चलती है, प्रशांत महासागर में चलती है, पेरू तट के पास चलती है, जो कि दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट पर अवस्थित देश है। इसी धारा का नाम है पेरू धारा का नाम, जिससे हम्बोल्ट की भी धारा है, जो एल नीनो है इसे जो है ये कहते हैं, इसे चाइल्ड क्राइस्ट भी बोलते हैं, क्योंकि दिसंबर के माह में कुछ वर्षों के अंतराल पे नेचुरली उत्पन्न होती है, और भारतीय मानसून के लिए कैसी होती है, भारतीय मानसून के लिए अच्छे नहीं होती। कुल मिला के जो भारतीय मानसून है बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही मायने रखता है, ये हमारे जो है कृषि जलवायु को प्रभावित करता है, देश का जो पहला खरीफ सीजन है उसकी शुरुआत इसी के साथ होती है, हमारे जो पहली सीजन है फसली सीजन यानी कि खरीफ सीजन है, जून जुलाई से लेकर के सितंबर अक्टूबर तक का जो सीजन है वो इसी पे निर्भर करता है। अभी भारत एक कृषि प्रधान देश, इसलिए मानसून जो हमारे लिए बहुत ही मायने रखता है, हमें कोशिश करनी चाहिए अपने तरफ से कि ऐसी कोई भी बात ना हो जो हमारे भारतीय मानसून को प्रभावित करे, और जो भारतीय मानसून है उसका हम हर तरीके से फायदा उठाने की स्थिति में रहें। और मोस्ट इम्पोर्टेंट बात तो ये कि जो भारतीय मानसून है, यहाँ से जो भी क्वेश्चन आए उसको हम एग्जाम में अच्छे से कर ले जाए। उम्मीद है ये वीडियो आप सबको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, हमारा प्रयास सबको अच्छा लगा होगा। अगर ऐसा है तो फिर हमारे वीडियो को लाइक करें। इसी के साथ हम आप सबको थैंक यू कहना चाहेंगे, थैंक्स फॉर गिविंग सो मच टाइम, वी विल ब्रिंग सम मोर वीडियोस इन फ्यूचर। थैंक्स फॉर वॉचिंग वंस अगेन, नमस्कार।